तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं कैरम, वो भी GTA 5 में। और हाँ, ये उससे काफी अलग होने वाला है। तो चलो बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे कैरम बोर्ड में चार होल होते हैं, वैसे यहाँ पर भी चार होल है, 1, 2, 3 एंड 4। और कैरम बोर्ड में एक गोटी है जिसका नाम स्ट्राइकर होता है, तो हमारे पास उसकी जगह में ये बॉल है। और कैरम बोर्ड में गोटी होती है लेकिन हमारे पास ये बॉलिंग पिन्स है उसकी जगह। सो बेसिकली करना हमें यही है, इस बॉल से उस पिन को गिराना है, वो भी सीधा सीधा उस होल के अंदर, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अब बारी आती है ट्विस्ट की। तो ये जो चारों सर्कल्स हैं ये अलग अलग टीम के होंगे। जैसे पहला सर्कल है हीरोब्राइन और एंडरमैन, दूसरा है फ्री फायर वालों का जो कि है हालोक और वुकोंग का, और उधर का एक तो हमारा है। तो मैं बताता हूँ कि इन्हें करना क्या है। तो इन्हें अपने सर्कल को डिफेंड करना है, लेकिन ये डिफेंड कैसे करेंगे ये भी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे काफी सारे हर्डल्स, ये हमारी बॉल को ब्लॉक करेंगे, और मैं बताता हूँ हम इसे चूज कैसे करने वाले हैं। तो ये है डाइस, अब हम इसे मारेंगे, और जैसे मेरा 2 आया तो मैं यहाँ से 2 हर्डल्स हटा सकता हूँ। तो टोटल यहाँ पे 5 हर्डल्स। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किन्हीं 2 हर्डल्स को यहाँ से हटा सकता हूँ। तो जैसे मैंने चूज किया ये सामने वाला और एक ये, तो अब मैं इस बॉल को मार सकता हूँ। तो जैसे कि मेरा डाइस में 2 आया है, तो मैं इस बॉल को भी 2 बार हिट कर सकता हूँ। बताता हूँ कैसे। ये मैंने पहली बार मारा क्योंकि मेरा वहाँ पे हर्डल्स नहीं है, तो बॉल आगे जा रही है। और अब मैं ये दूसरी बार मारा, देखते हैं मैं कोई पिन हिला भी पाता हूँ। अरे मैंने पिन का तो नहीं पता, लेकिन एंडरमैन हिला दिया। ओके, तो ये एक फेल रहा, बट कोई ना, आपको समझ तो आ गया कि हम गेम में करने के वाले हैं। तो जिसका भी ज्यादा से ज्यादा पिन लास्ट तक बचा रहा वो जीत जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन देखने में बहुत मजा आ रहा था। हाँ, तुझसे यही उम्मीद थी मेरे को। देख, तुझे अगर समझ नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अपन अभी खेलने वाले थे, तो देखते देखते समझ जाएगा, पर मजा बहुत आने वाला है। वो तो मुझे पता है। अरिन भाई, कुछ भी कर लो, आज चौप को मजा नहीं आने वाला है। आज मजा क्यों? ओके, मैं समझ गया। तो चौप तेरी दोस्त मिसिंग लग रही है मेरे को। वो मिसिंग नहीं है, मैंने ही उसे नहीं बुलाया है। तूने नहीं बुलाया या फिर वो नहीं आई? जो भी हो, सच्चाई तो ये है कि मैंने उसे बोला था आने को, पर पता नहीं वो क्यों नहीं आई। अरे अरे चौप, इमोशनल ना हो, चल अपन स्टार्ट करते हैं भाई। वही तो। तो ठीक है, फिर कौन स्टार्ट करने वाला है ये? हम लोग ही करते है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, डीजे आलोक, अगर तुमको करना तो तुम कर सकते हो। अरे यार ठीक है, हम ही कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसे छोटी छोटी चीजों से दूसरों की तरह डरते नहीं है। अरे यार अच्छा ठीक है, ओके, तो तुम पहला ट्राई ले सकते हो। ठीक है, तो ये बताओ कि तुम किसके अगेंस्ट जाना चाहते हो? अरे यार ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारे ही अगेंस्ट जाऊंगा ना। अरे यार इसका मतलब तुम फ्री फायर वाले ये माइनक्राफ्ट वालों को बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं समझते तुम्हारा। अरे यार ये मैंने कब कहा, अपनी बातों को बीच में ना घुसाड़ो तो अच्छा है। अरे मैं नहीं घुसाड़ रहा हूँ भाई, देख लो तुम लोग, हमें कॉम्पिटिशन नहीं समझ के ये भूल कर रहा है, बहुत बड़ी भूल। और इस भूल की कीमत इसे चुकानी पड़ेगी। अरे भाई साहब, मैंने अपना काम कर दिया। मैं समझ सकता हूँ अरिन भाई, आपने इन दोनों के बीच में चिंगारी जो लगा दी है। हाँ यही तो मेरा प्लान था। ओके तो ठीक है, डीजे आलोक अपन मेरे सर्कल पे चलते हैं, उधर है। ओके तो डीजे आलोक, ये रहा तुम्हारा डाइस, ये रही बॉल, और वहाँ पे सारे हर्डल्स। ठीक है तो तुम स्टार्ट कर सकते हो। अरे यार ठीक है, चलो मैं डाइस को मार कर देखता हूँ, अगर 6 आ गया ना तो समझ लेना मैं जीत ही गया ऑलरेडी। देखते हैं। अरे यार सिर्फ 2 आया है, इसका मतलब मैं कोई भी 2 हर्डल्स हटा सकता हूँ। ओके मैं सबसे पहले तो ये हटाऊंगा, और दूसरा होगा को मुझे सोचने दो, ये वाला। अरे वाह, दोनों हट गए। अरे भाई साहब, इस बंदे ने तो बहुत ही करेक्ट हर्डल चूज किए हैं, लेकिन इसे बॉल मारने का सिर्फ 2 बार ही मौका मिलेगा, देखते हैं। अरिन भाई, इसने तो बहुत क्लियर कर दिया है, पहले ही बार में पूरा न गिरा दी। अरे ऐसा नहीं होगा। अरे यार मेरी काबिलियत पे शक, अभी दिखाता हूँ। अरे यार ये तो भड़क गया। एक और, एक और मारना बचा है, 2। अरे यार कितनी बॉल्स गिर रही है, कितना पिन गिरेगा? अरे वाह, एक तो गिरा कम से कम। अरे वाह, मैं एक से ही बड़ा खुश हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत मौके मिलने वाले हैं। ओके इसने एक गिरा दिया, भाई पहली बार में एक बुरा नहीं है, पर कोई ना, जीतेंगे हम, मतलब मेरे को यकीन है इस बात पे। और गाइस इसी बात पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो, और साथ में वो लाइक बटन भी दबा देना। ओके सो नेक्स्ट जाने वाले हैं ये स्टीव और एंडरमैन, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। तो ठीक है भाई हीरोब्राइन, ये बताओ कि तुम किसके अगेंस्ट जाने वाले हो? हम जाएंगे इन फ्री फायर
वालों के अगेंस्ट, क्योंकि ये हमें कंपटीशन नहीं समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अरे भाई तो तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो, मतलब आराम से भाई चिल मारो। और ये तो पता है ना कि उनका कॉर्नर वो वाला है, ये वाला नहीं है। अरे तुम मुझे बुद्धू तो नहीं समझ रहे हो। अरे नहीं नहीं मैं ऐसा कब बोला, आई मीन तुम हो, मैं समझ नहीं रहा हूँ। अरे भाई साहब तो शिनचैन और चॉप क्या लगता है ये क्या करने वाला है। शिनचैन और चॉप नहीं, सिर्फ शिनचैन। अरे क्यों, चॉप कहाँ गया? वही। अरे एक मिनट भाई साहब, मुझे लगा था कि ये नहीं आने वाली है, लेकिन ये कैसे आ गई? और चॉप ने मुझे स्पेशली बोला है डू नॉट डिस्टर्ब। इसकी तो डू नॉट डिस्टर्ब बोला है, रुक जा। अरे चॉप वो तूने जो स्विमिंग पूल के पास पॉटी करी थी ना, वो किसी ने साफ नहीं करी है। अभी मजा आएगा। मैंने तुम्हें क्यों रखा है, इसी के लिए तो रखा था। अरे अच्छा अच्छा चॉप, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? कहीं अपने ही पैर में पॉटी तो नहीं मार ली? अरे भाई मैंने पैर ही पॉटी में मार दिया। ये क्या बात हुई। ओके इसको देखते हैं, अभी ये हमें कंपटीशन समझने लगेंगे पहले ही बार में। अरे ये क्या दो आया है। ओके तो हीरो ब्रायन तुम कौन कौन से दो हटाना चाहोगे? सोचने दो, सबसे पहले तो ये जो सामने आ रहा है, और दूसरा ये वाला। अरे भाई तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, आराम से भी बोलोगे तो हो जाएगा भाई। क्योंकि इसके डाइस से दो आया था तो इसके पास दो मौका है, देखते हैं कैसे यूज करता है। ओके ये नीचे मार रहा है, कोई ट्रिक है क्या ये? लगता है इसकी ये ट्रिक फेल हो गई। ओके ये अच्छा था, मतलब एक दो दो दो, ओके इसने भी एक ही गिराया, शायद दो नहीं नहीं एक ही है, ठीक है। मतलब टक्कर बराबरी की चल रही है, दोनों ने एक एक गिरा दिया, एक मेरा चला गया एक इनका चला गया, लेकिन अभी तक एक भी ये माइनक्राफ्ट वालों का नहीं गया। तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो मैं सोचा था मैं इनके अगेंस्ट जाऊंगा पहला टर्न, मतलब डीजे लोग के अगेंस्ट, लेकिन अब मैं स्टीव के अगेंस्ट जाने वाला हूँ, क्योंकि उनका एक भी नहीं गिरा है और चांसेस ये है कि वो शायद इस कारण जीत जाए, तो मैं पहले उनके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। अरिन भाई एक बात सुनो, दोनों ने गिरा दिया है तो अब आप पे बहुत प्रेशर आ चुका है, अगर आप एक भी नहीं गिरा पाए तो थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी। शिनचैन तुम चिंता मत करो, ये जो है ना ये गिराने में बहुत ही अच्छा है, ये सभी को अपने से नीचे गिराता है और कभी कभी तो अपनी इज्जत भी गिरा देता है। अरे यार मतलब मेरी टर्न से पहले इतनी गंद तो मत भर, कुछ भी गिराऊं बट आज मैं ये सारे पिंस गिराने वाला हूं। देखते हैं भाई, मैं तो चाहता हूं 6 है, क्योंकि टोटल 6 हर्डल्स होते हैं, अगर 6 आ गया तो पूरे 6 के 6 जो हमें ब्लॉक्स करने वाले हैं वो हट जाएंगे। तो भाई और अपने पास सीधा सीधा 6 बार मौका होगा, बट देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। एक मिनट, दो। अरे यार ये दो क्यों आ रहा है। ठीक है तो सबसे पहले तो ये जो सामने है इसे हटाऊंगा और दूसरा ये हटाऊंगा मैं। अरिन भाई बेस्ट ऑफ लक यार, नाम मत डुबाना बस। अरे मैं तेरा नाम डुबाता हूँ कि तू ऊपर, ठीक है। ओके मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं इनके होल पे मारूं तो कुछ ऐसा होगा क्या? चलो ठीक है, मेरे पास अभी एक और वो है, और है पर मैं थोड़ा आगे जाने दो फिर मारूंगा ताकि थोड़ी पावर रहे बॉल में। लेट्स गो। एक मिनट, क्या एक भी नहीं? क्या नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या दो कि ये झूठ है, एक भी नहीं गिरा पाया मैं। तुम तो गिराने में भी बुरे निकले, सिर्फ अपनी इज्जत ही गिराई है आज तक तुमने और आज हमारे भी। अरे चॉप मतलब चिंता मत कर यार, अभी नेक्स्ट टर्न भी आएंगी, मतलब इतने सारे ब्लॉक्स हैं और भी टर्न आएंगी। अब हमारी टीम से अगली बारी मैं जाऊंगा, अपने ही। अच्छा ठीक है सर। सर तो मत बोलो। हाँ वही तो, बॉस बोलो सीधा। अरे यार भाई यार इन लोग तो मेरे से काफी गुस्सा में, लगता है आज थोड़ा कम बोलना पड़ेगा। ठीक है नेक्स्ट टर्न तो डीजे आलोक की है, देखते हैं क्या करता है। तो भाई ये बात बताओ कि इस बार तुम किसके अगेंस्ट जाओगे? अरे यार अब तुम इनका गिरा ही नहीं पाए तो मुझे जाना पड़ेगा और गिराना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाता। हाँ ये वैसे अगर दिमाग से सोचो तो सही है। अरे तो और कहां से सोचते हैं, मैं तो दिमाग से ही सोचते आया हूं। अरे मैं भूल गया था तुम तो घुटना यूज करते होगे ना, घुटना। अरे अरे यार सब क्या आज कसम खा के आए हो कि मेरी बेइज्जती करोगे? अरे बाप रे इतने सारे हर्डल्स, ये हर्डल रेस है क्या, इतने क्यों आ गए? अरे ये राउंड 2 है ना तो आएंगे ही ना। अरे यार ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अब कुछ तो सरप्राइजेस होंगे ही ना। अरे मेरी पूरी जिंदगी ही सरप्राइज बन गई है, चलो ठीक है इतना आता है। अरे वाह ये हुई ना बाप। अरे अब तो ये पूरे के पूरे 6 हर्डल्स हटा सकता है और उसके बाद ये बॉल को 6 बार हिट कर सकता है। भाई साहब मतलब एपिक होता है 6 आना। चलो देखते हैं अब ये क्या करता है, ढंग से यूज करता है या हकता है, देखते हैं। अरे यार सबकी निगाह मेरे पर है हमेशा की तरह। चलो ठीक है पहले मैं 6 हर्डल्स हटाता हूँ, सबसे पहले तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और ये 4, और ये 5, और ये वाला 6। अरे भाई साहब ये तो सारे हट गए एक को छोड़ के। अरे एक मिनट
बट सारे हर्डल्स हट गए एक को छोड़ के। अरे यार इसलिए तो सिक्स आता है, अब मैं 6 बार बॉल को मार सकता हूँ, सब गिरा दूंगा मैं। लेट्स गो वन। अरे यार 1 में तो बहुत ही कम गया है, चलो जा रहा है 2 3। अरे अरे रुक जाओ अभी 3 और बचा है। 4। अरे नहीं 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 नहीं, ओके ठीक है 2 और है मेरे पास। 5। अरे वाह 2 गिर गया। 6। अरे यार ये क्यों नहीं गिर रहा है। अरे यार चलो ठीक है, फिर भी मैंने 3 गोटी गिरा दी, बोलिंग पिन, मैं इसी बात से खुश हूँ। अरे भाई साहब आलोक ने बढ़िया किया, ये आलोक बहुत अच्छा खेल रहा है। आप तो मत ही बोलो, आपको छोड़ के सभी अच्छा खेल रहे हैं। अरे यार तुम लोग की चांस आई नहीं है, देखता हूँ क्या करते हो इस बार तुम लोग, ठीक है। वैसे मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है। अच्छा तो किस बात का है। वो पिछले गेम में मैंने इसे वादा किया था कि मैं इसे मालदीव ले जाऊंगा, लेकिन हम उसे जीते ही नहीं। इसलिए नहीं जीते क्योंकि तेरा ध्यान गेम पर नहीं था, तेरा ध्यान तो इस पर था। अच्छा ठीक है, पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ तू ही तो याद कर रहा था। अच्छा चलो छोड़ो, अब माइनक्राफ्ट मतलब स्टीव की बारी, देखते हैं इन लोग क्या करते हैं। तो ठीक है स्टीव, तुम लोग किसके अगेंस्ट जाना चाहते हो। अरे इन्होंने हमारे 3 पिंस गिरा दिए, अब हम इनके 10 गिराएंगे। अरे 3 से ज्यादा 4 होते हैं। हाँ तो हम 4 गिराएंगे। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब तुम जाओगे डीजे आलोक के अगेंस्ट। हाँ और जीतेंगे भी। अरे भाई तू इतना गुस्सा क्यों करता है, ठीक है चले जा। अरिन भाई आपने जो चिंगारी लगाई थी वो तो आग बन चुकी है उसके अंदर। इसीलिए तो लोग चिंगारी लगाते हैं। अरे चुप रहो, देखते हैं क्या करता है ये। 1 मिनट 2। इसकी किस्मत खराब है भाई, बार बार ही 2 आ रहा है भाई। इस राउंड में इतने सारे हर्डल्स है कि अगर कोई 2 हट भी जाए ना तो भी बहुत बचे हैं। ठीक है फिर भी मैं 2 हटाऊंगा, एक ये और दूसरा ये। ओके सो वो दोनों हर्डल तो हट गए पर अभी भी काफी है, देखते हैं ये क्या करता है। चलो ठीक है 1। अरे यार ये हर्डल्स इन्हें रोक ना ले। अरे भाई 1 मिनट 1 मिनट, देख वो रेड वाला हर्डल ने रोक लिया, मुझे लग ही रहा था, पर इसका 1 टर्न और बचा है, देखते हैं क्या करता है। ठीक है लेट्स सी, इसने मारा क्या, एक पिन गिर गई, गिरी क्या, देखते हैं। ओके 1 पिन गिर गई, चलो ठीक है गुड गुड गुड, ने 2 तो गिरा दी टोटल। मुझे लग रहा है कि हीरो ब्राइन भी काफी अच्छा खेल रहा है, मतलब डीजे आलोक और हीरो ब्राइन दोनों पे मतलब अच्छी टक्कर चल रही है। हाँ अभी तक हम लोग का गेम अच्छा नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है गाइस। लेकिन ये बताओ कि आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट कर रहे हो, मतलब स्टीव वर्सेस डीजे आलोक में आपका वोट किसको जा रहा है भाई, यार जल्दी से कमेंट करके बता दो। अच्छा ठीक है अब तुम्हारी टर्न है, ये बताओ कि तुम किसके अगेंस्ट जाना चाहोगे। मैं जाऊंगा डीजे आलोक के अगेंस्ट, क्योंकि एक रीजन है बता रहा हूँ कि देखो भाई इनका तो तुम बहुत गिरा दियो और तुम्हारा सिर्फ 2 ही गिरा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारा और गिराऊं ताकि तुम पीछे रहो। हाँ यार ठीक है इतना मुझे भी समझ आता है, जाओ गिराओ। हाँ चलो ठीक है भाई, इस बार मैं नहीं हगने वाला हूँ। ओके सो क्योंकि हर्डल्स इतने ज्यादा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी 6 आए, सबकी बोलती बंद हो जाएगा इसमें, ये चाहता हूँ। लेकिन ठीक है अपन ट्राई करते हैं। 6। ओके लेट्स गो भाई साहब, 6 आ ही गया फाइनली। अब मैं 6 के 6 हर्डल्स हटा दूंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके लगभग हट गए, ठीक है लेट्स गो 1 भाई। दूसरा तो मैं आगे जाके ही मारूंगा, जाने दो 2 लेट्स गो। एक तो गिरा, दूसरा भी गिराना है। ओके एक और गिर गया, तीसरा भी गिराना है। ओके तीसरा, अरे बॉल गिरने चाहिए नहीं। अरे यार बॉल क्यों गिर गया, अरे भाई यार। अरे यार अब इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाय शिनचैन और चॉप, पता है मेरी ज्यादा तारीफ मत करना, मैं काफी गिरा दिया। एक काम तो अच्छे से होता नहीं है और घमंड तो सर पे चढ़ा हुआ है। अरे भाई कम से कम मैंने कितने 3-4 तो गिराए भाई, काफी होते हैं। अच्छा ठीक है आपको इस बार माफ करता हूँ मैं। हाँ चल कोई ना। ओके सो डीजे आलोक अब तुम्हारी बारी है, तुम किसके अगेंस्ट जाना चाहते हो। अरे यार हमारे इतने कम कर दिए और तुम्हारा देखो पूरा बचा हुआ है, हम लोगों का तो बचा ही नहीं है कुछ भी। अरे बचा तो है, अरे मतलब मेरा और स्टीव से तुम्हारा कितना ज्यादा बचा है यार। हाँ मतलब तुम मेरे अगेंस्ट ही जा रहे हो ना। अरे हाँ यार अच्छा ठीक है चलो फिर। हाँ यार इस बार मेरे को डर लग रहा है, बैड ऑफ लक। अरे यार वो बेस्ट ऑफ लक होता है शिनचैन, मुझे पता है फिर भी बैड ऑफ लक। अच्छा तुम चाहते नहीं हो कि मेरा 6 आए। मैं क्यों चाहूंगा। अरे हाँ यार ये भी तो है, चलो ठीक है देखता हूँ लेट्स गो। अरे यार सिर्फ 2 आया, 2 से तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है 1 और ये वाला 2। अरे ये क्या हुआ, यहाँ की तो वॉल ही उड़ गई। अरे भाई ये क्या हुआ, आसपास की वॉल ही उड़ा दिया तुमने। चलो ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तुम्हारे पास 2 चांस है, देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है 1 अभी इसे बताता हूँ, बस ये रेड वाली चीज, अरे यार ये तो रोक लेगी नहीं नहीं नहीं। ओके बच गई। अरे एक और है, अरे यार किस्मत हो खराब। अरे अरे यार चलो ठीक है एक और टर्न है, 1 तो गिरे, 1 भी नहीं गिर पाई।
गई। अरे यार ऊपर एक तो गिरी है। अरे वाह दो दो तीन तीन। अरे वाह भाई वाह सोने पे सुहागा। अरे भाई तीन कैसे गिर गया यार। मतलब भाई किस्मत एक तो मेरी खराब ठीक है लेकिन इसकी इतनी अच्छी क्यों है भाई। और मतलब भाई मेरा सिक्स आता है तो मैं तीन पिन गिरा पाता हूँ ठीक है। इस बंदे का दो आया फिर भी इसने तीन गिरा दी। चलो ठीक है कोई नहीं टाइम टाइम की बात है भाई ठीक है। ओके सो ठीक है अब हीरो ब्रेन तुम्हारी बारी है तुम किसके अगेंस्ट जाओगे। अब मुझे समझ आया तुमने हम दोनों को भिड़ा दिया ताकि हम दोनों के पिंस कम हो जाए और तुम जीत जाओ सुमड़ी में। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है भाई चले जाओ। अरे यार ये तो उल्टा पड़ गया। अरे यार ये भी हमारे ही अगेंस्ट चला गया तुम्हारे कारण ना हम हार जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा जीतेंगे तो हम ही। अरे भाई ये भी गुस्से में लग रहा है क्या। सिक्स अरे वाह सेक्स आ ही गया अब मजा आएगा भाई। मतलब बुरा तो लगता है मतलब ठीक है मेरी किस्मत खराब है मैं मानता हूँ मतलब ये शुरू से लेकिन भाई इनकी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मतलब सिक्स आ रहा है मेरे अगेंस्ट और मेरा अभी तक। अरे यार चलो देखते हैं अब ये क्या करता है। अब मेरा सिक्स जो आया है छह के छह हर्डल्स हटा दूंगा। एक दो तीन चार पाँच छह। अरे भाई इसके सामने तो कोई हर्डल्स ही नहीं बचे और हमारे पिन भी बहुत कम बचे हैं। हाँ खेलना ही बंद कर देता हूँ ना मैं। नहीं नहीं बोल दो बंद कर देता हूँ। करना ही पड़ेगा वीडियो जो लंबी हो रही है। अरे यार शिट। ओके गाइस तो आज के वीडियो में तो इतना ही था लेकिन अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।